हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम इस समय मौजूद हैं सिद्धी जिले के अस्पताल में और हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर एल वर्मा जी मौजूद हैं। दस्तक अभियान के तहत जो अभियान चलाए जा रहे हैं कुपोषित बच्चे के लिए, उनका पूरा वर्णन हम समझने के लिए बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से कि अभी तक में क्या आंकड़ा हो चुका है और कितने आंकड़े बैठ चुके हैं। सर बताएं, ये दस्तक अभियान 10 जून से 20 जुलाई तक आयोजित है और इसके बाद जो बच्चे बच जाएंगे जिस जिले में वो मापा ग्राउंड हमारा 30 जुलाई तक चलेगा। अभी तक हमने जो अपने दस्तक अभियान में प्रगति की है, हमको टोटल बच्चे जो है 1,54,735 बच्चे को हमको स्क्रीनिंग करना था, देखना था, जिनको अभी तक हमने 1,44,237 बच्चों को जो है स्क्रीनिंग कर चुके हैं। मतलब अंडर 5, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को हमारी दस्तक टीम घर घर में जाकर के इतने बच्चों को देख लिया है, जिसमें जो है अभी तक के आंकड़े में हमारे 441 ऐसे कुपोषित बच्चे मिले हैं जिनको कि हम NRC में भर्ती करा चुके हैं और उनको उपचार दे रहे हैं। इसी तरह हमारे क्षेत्र में जो 1491 बच्चे कुपोषित मिले हैं, अनिमिक मिले हैं, खून की कमी, जिनमें हमने अभी तक 1027 उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा चुके हैं और निरंतर हमारा प्रयास जारी है कि हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे जैसे बच्चे आते जाते हैं उनको हम दे रहे हैं। इसी तरह हमारे इसमें निमोनिया के बच्चे जो हैं, अभी हमने 3 से 11 बच्चों को निमोनिया के दे दिया है। सेप्सिस के 595 बच्चे हैं। इस तरह जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसे अंडर 5 बच्चे हैं उनकी बराबर स्क्रीनिंग हमारे दलों द्वारा की जा रही है और हम निरंतर अपने प्रयास में संघर्षशील हैं और बराबर हमको जो है उसकी उपलब्धि मिल रही है। कहा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में 51 जिलों में हम लोगों के प्रयास और हमारे कलेक्टर साहब के अथक प्रयास से हम लोग आज पहली रैंकिंग प्राप्त कर चुके हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम ये अपने रैंक को बराबर बनाए रखें। सर, अचानक ऐसा क्या हुआ दस्तक अभियान के तहत में कि बाढ़ सी आ गई कुपोषित बच्चों की? इससे पहले भी जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब ये स्कीम चलाई गई तो ऐसा लग रहा है जैसे कुपोषित बच्चों की एक बाढ़ आ गई है। देखिए क्या है, ये दस्तक अभियान लास्ट ईयर भी था लेकिन इस वर्ष जो हमारा अभियान चालू हुआ है ये हमारे कलेक्टर साहब के अथक प्रयास से और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इन्होंने अच्छा मेहनत किया, कलेक्टर साहब ने अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, ये उसी का परिणाम है जो हम आज इस रैंक में पहुंचे। ऐसी बहुत सारी भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए एकाएक इतने मरीज आ जा रहे हैं। अभी हाल में ही कल एक ऐसा मामला आया था जिनमें कलेक्टर साहब ने अपना स्वयं का बंगला खोला और मरीजों को वहाँ पर शिफ्ट किए, तो एकाएक इतनी स्थिति आ जानी। सर देखिए क्या है कि हमारे 5 ब्लॉक से बच्चे आ रहे हैं और जैसे ही प्रचार प्रसार हम सेवाएँ दे रहे हैं प्रतिदिन हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। अब हमारे अस्पताल में जो बेड हैं वो सीमित बेड हैं। अब चूँकि बच्चे एक दिन में 5 से 5.5 से आ रहे हैं तो इसके वजह से हमको अलग से उन बच्चों के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। उसी के तारतम्य में कलेक्टर साहब ने अपना बंगला तक हमारे बच्चों को वहाँ पे रहने के लिए उपलब्ध कराया है और बराबर उनका उपचार चालू है। ये तो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य रहा जिसमें कि मध्य प्रदेश के CM द्वारा भी ट्वीट किया गया और ये कार्य को सराहनीय किया गया। क्या उम्मीद लगती है कि अभी कितने संख्या और आ सकती है? अभी तो हमारा 20 तक ये लास्ट राउंड है तो अभी हमारे जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं तो उनको हम जो है 100% करने की हमारी भरसक प्रयत्न है और उसमें भी जो बच्चे यदि इक्का दुक्का छूटेंगे तो उसका 30 जुलाई तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो रैंकिंग आई है और हम लोग बराबर लगे रहें, सबका सहयोग मिलता रहे जिससे हमारी रैंक 1 नंबर पे बने। सर, इसके पहले भी कलेक्टर आए और दस्तक अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे कि पहले कलेक्टर नाकाम थे या अब कलेक्टर साहब आए हैं ये काम करें, क्या देखिए क्या है, सबकी अपनी अलग अलग गतिविधियों को कार्य प्रणाली का सबका अलग अलग होता है। अब जिसने जैसा मेहनत किया, कलेक्टर साहब के समझ में आए कि हमारे इतने जो बच्चे कुपोषित हैं, खून की कमी है, इन्होंने उस चीज़ को सोचा और उन्होंने विशेष ध्यान दिया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, हमारी स्वास्थ्य टीम को बढ़ाया,
तो उसी का परिणाम आज इतने दूर तक पहुंच पाए। एक बात और ही आती है, ब्लॉक स्तरों में अधिकतर देखा जाता है आपके यहाँ जो 5 ब्लॉक हैं वहाँ डॉक्टरों की कमी लगातार बरकरार है, और डॉक्टरों की कमी की वजह से जो है मरीज की संख्या जो है वो ज़्यादा जिले में आ जाती है, आए दिन जिले में आने की वजह से समस्या बढ़ जाती है। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे ज़िले में जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है उसके अनुसार हमारे ज़िले में 50% भी डॉक्टर्स नहीं है, फिर भी हम जो भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं उन्हीं से हम शासन की पूरी गतिविधियों का कार्य चालू किए हैं, और कमी तो है हर एक जगह, हमारे ब्लॉक में कमी है, ज़िले में कमी है, लेकिन जितनी हमारे पास पर्याप्त साधन है उसी में हम अपने शासन की हर एक कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या सर बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रयास किया गया? नहीं, हमने शासन को जो है कितने हमारे पास पद स्वीकृत हैं, कितने पद हमारे भरे हैं और कितने हमको चाहिए इसकी जानकारी हमने शासन स्तर को दे रहे हैं। तो क्या कुछ आश्वासन सर मिले हैं? अब ये शासन स्तर पर है, शासन जैसे अब हमारे PSC से इंटरव्यू भी बराबर चालू रहते हैं, हर एक बुधवार को इंटरव्यू होते हैं, जैसे जैसे वहाँ पे डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं वैसे उनकी भर्तियाँ हो रही हैं, और उस तरह से धीरे धीरे जो है पूर्ति करने के शासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सर ब्लॉक स्तर पर बहुत सारे ऐसे अभी न्यू हॉस्पिटल निर्माण किए गए हैं तो जो अभी खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन नया निर्माण हो चुका है लेकिन वो बिल्कुल खंडहर में तब्दील होकर चले जा रहे हैं, वहाँ पे कोई पोस्टर नहीं किए गए हैं क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं, फिर भी नई बिल्डिंग जो लागत लगा के बनाई गई है वो खंडहर में तब्दील हो जाएगी। नहीं, अब क्या है कि अभी कोई भवन बनता है और उसमें बराबर यदि कोई रहेगा, रख रखाव देख रेख होती रहेगी तो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये तो ज़रूर है कि स्टाफ की कमी है, इसके वजह से हो सकता है कोई संस्था बराबर ना खुल पाती हो, ये मैं मानता हूँ, बाकी हमारा प्रयास जारी है, जहाँ पर एक डॉक्टर हैं उसको दूसरे अस्पतालों में भी हमने ड्यूटी लगा के रखी है कि कम से कम वहाँ जो मरीज आए उनकी OPD की देख रेख होती रहे। तो आप हमारे साथ में जिला से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जुड़े हुए थे डॉक्टर RL वर्मा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका, अपना कीमती समय उन्होंने हमको दिया और सारी जानकारियाँ प्रदान की। जल्दी कीजिए, पहले आइए पहले पाइए, सिंगरौली न्यू मार्केट यमुनोत्री होटल में 600 स्क्वायर फीट की दुकानें खाली हैं। जिस किसी को शोरूम, कोचिंग सेंटर, बैंकिंग के लिए आवश्यकता हो कृपया संपर्क करें, हमारे यहाँ पार्किंग एवं सर्व सुविधा युक्त स्थान है। हमारा मोबाइल नंबर है 07805668077222973001।